अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है सारे ही वर्क परमिट होल्डर्स के लिए, पीआर होल्डर्स के लिए एंड जो भी न्यू इमिग्रेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं उन सब के लिए। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म। तो आज हम जाएंगे अपना ओंटारियो हेल्थ कार्ड बनाने के लिए। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस कवरेज होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है जिसमें आप अपना मेडिकली आप यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल में आपका खर्चा वगैरह होगा ये सारा ही ये इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड हो जाता है। तो ये पीआर होल्डर्स, सिटीजनशिप होल्डर्स एंड जो भी यहाँ वर्क परमिट पर हैं उन लोग के लिए रहता है। तो अभी हम अपने यहाँ पर फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं, तो मैं आगे आपको बताती हूँ हमें कहाँ पर जाना है एंड किस तरीके से आ रहा है प्रोसेस है ये वाला एंड इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड है सारे। तो अभी हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं अपने पासपोर्ट्स एंड आपका आपको ड्राइवर लाइसेंस अगर आपके पास हो तो वो कैरी करना है, आपका लीज एग्रीमेंट एंड आपका बैंक का जो भी कार्ड है वो भी आपको एड्रेस प्रूफ के लिए, अगर आपके पास लीज एग्रीमेंट नहीं है तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो वाला उसका स्टेटमेंट चाहिए होता है, या फिर आपके पे स्टब्स अगर आप वर्क परमिट होल्डर हो तो, और आप सारे ही बच्चों का है एंड आपका वैलिड पासपोर्ट्स आपको कैरी करना होता है। तो अभी हम अपने फॉर्म्स सारे ही फिलअप कर चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे सर्विस ओंटारियो। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस ओंटारियो एंड ये हर सर्विस ओंटारियो पे नहीं होता है, तो आप पहले से कॉल करके पूछ लीजिए कि वो वाले सर्विस ओंटारियो पे हेल्थ कार्ड्स का बन रहे हैं या नहीं। तो अभी हम तो हमारे घर से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के राइड पर एक सर्विस ओंटारियो है, तो हम वहाँ पर गए थे एंड सारे ही ये वाले डॉक्यूमेंट्स हमने सारे ही फॉर्म्स अच्छी तरीके से फिलअप कर लिए हैं। तो ये फॉर्म्स हमने लास्ट वीक वॉक इन करे थे एंड जाकर वहाँ से हमने पहले फॉर्म्स सारे ही कलेक्ट कर लिए थे, उसके बाद में फिर हमें बोला गया था कि आप नेक्स्ट वीक अर्ली आवर्स में आइए। तो अभी हम मॉर्निंग अभी 8:30 हो रहे हैं, तो जस्ट बच्चों को हमने ड्रॉप किया और हम अभी जा रहे हैं सर्विस ओंटारियो। अभी मैं वहाँ पर जाके बताती हूँ वहाँ पर किस तरीके का सारा ही प्रोसेस है और हमें कितना टाइम लगा एंड हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पर वो एडिशनल पूछ रहे थे। तो चलिए मेरे साथ और फिर मैं आपको आगे का सारा ही बताती हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पर लैंड हो जाते हो तो आप पहले ये काम कर सकते हैं, हमारे लिए तो थोड़ा टाइम हो गया वो हो नहीं पा रहा था सारे ही जॉब के एंड सारे चीज़ों के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो अब जाकर हम अपना हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो बच्चों के भी हेल्थ कार्ड्स हम बना लेंगे और अपना भी हेल्थ कार्ड हम बना लेंगे। तो अगर आप वर्क परमिट हो या पीआर होल्डर्स हो तो आते ही आप इमीडिएटली लाइक 2-3 डेज़ के बाद में आप हेल्थ कार्ड अपना बनाने के लिए जा सकते हैं, बट द मेन थिंग इज़ आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होना इज़ मस्ट, लीज एग्रीमेंट होना इज़ मस्ट है आपको। अगर वो ना हो तो फिर आपके पास आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना होता है, तो उसके लिए तो आप आते ही आई थिंक एक 10-15 डेज़ तो लग ही जाएंगे। या आपके पास लीज एग्रीमेंट होना है या फिर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके बैंक का स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें ही होना होता है। तो उसके बाद ही आप ना ये वाला हेल्थ कार्ड बना सकते हैं एंड ये हेल्थ कार्ड में जो कवरेज ये होता है हेल्थ का, तो आपका अगर मेडिकली आपको लाइक फीवर है या कुछ है और आपके एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह ये सारे ही इसके अंडर आपको सारे ही ये कवर हो जाते हैं एंड आपका सिर्फ डेंटिस्ट का एंड आपका ऑप्टिशियंस लाइक ऑप्टिकल्स का ये वाला इसमें कवर नहीं होता है। अदर देन डेंटल एंड ऑप्टिशियन सारा ही आपका जो भी हेल्थ का इशू है सारा ही इसमें कवर हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्टिंग है तो आपका सारा ही डिलीवरी का भी सारे ही सारा लाइक बच्चे के बर्थ से लेके बच्चा आपका उसके बाद में 17 इयर्स 18 इयर्स तक सारा ही ये वाला हेल्थ कार्ड कवर करता है बच्चे के लिए, सारे ही वैक्सीनेशन, आपके डिलीवरी के सारे ही चार्जेस, या आपका सी सेक्शन हो या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सो सारा ही इसमें ये अंडर दिस इंश्योरेंस इट विल कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर
चाइल्ड बर्थ प्रोसेस। तो फिर अभी हम आ गए हैं सर्विस ऑन्टारियो, एंड यहाँ पर जब सर्विस ऑन्टारियो का मेरा जो एक्सपीरियंस था, बेसिकली इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस मैं आपको बोल सकती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। हम गए थे 8:30, तो हमें लिटरली हम वापस आए तक हो गया था 1:00। तो अभी हम चलेंगे अंदर, आप देखिए बहुत ज़्यादा वॉकिंग है। आप यहाँ पर आई थिंक अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हो, बट मोस्टली यहाँ पर लोग वॉकिंग ही कर लेते हैं अर्ली आवर्स में, जल्दी आपका काम हो जाता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका हस्बैंड है के पास वर्क परमिट है और रेस्ट ऑफ द फैमिली इज़ ऑन अप्लाइड स्टेटस, जैसे कि SOWP एंड आपके किड्स का अगर स्टडी परमिट पे भी है आप, तो भी आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइमरी एप्लीकेंट के पास वीज़ा है, तो आप लोग सारे ही SOWP होल्डर्स एंड स्टडी परमिट होल्डर्स, इफ़ यू आर ऑन अ ब्रिजिंग प्रोसेस, आप लोग भी यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, आपको आपका IRCC का सबमिशन लेटर उन लोग को बताना होता है कि लाइक हमने ऑलरेडी हमने अपनी फाइल सबमिट कर दी है एंड जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल। तो आप जब ऐसा बता देंगे तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा, आपका, आपके वाइफ का एंड आपके किड्स का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, हेल्थ कार्ड, बेसिकली आपका हेल्थ कार्ड आपको मिल जाएगा। एंड फिर हम यहाँ से, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी प्रोसेस था। हमें जो असिस्ट कर रहे थे वो हमें बहुत अच्छी लेडी मिले थे, तो उन्होंने हमें अच्छी तरीके से सारा ही गाइड किया, सारा ही प्रोसेस हमें एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे कवर कर सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हमें हो सकती हैं। तो वो सारा ही हमें ब्रीफ उन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हेल्थ कार्ड का। 4 hours लगे, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। कुछ भी एडिशनल चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको जाना है एंड अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। तो इमीडिएटली उन लोग ने हमें पेपर बेस्ड कार्ड दे दिया था, एंड विद इन 8 days ऑफ टाइम हमारे घर के मेलिंग एड्रेस पे हमारा मेडिकल कार्ड आ जाएगा। तो 8 days ऑफ स्पैम होता है जब आपको कार्ड रिसीव हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था। तो अभी हम आ गए हैं टिम हॉर्टन्स, क्योंकि हमें अब लगी है बहुत जोरों की भूख। Did you get me? 2 croissants? Yeah, 2 croissants with egg. Cheese croissant. Egg and cheese croissant. Exactly, and slightly grilled, okay? Okay, no problem. Anything else for you? That's it. Yeah. So it's going to be 10:15. Sure. Grill, but okay? Yeah, I got it. Can I get a cup of water, the regular, the normal cup of water, please? Fast at the Amravati Motors, me. Drive through always fast. Yeah, cup se hai, kab aaye the. Thank you so much. Hello. तो अभी हम अपना यमी सा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, एक क्रोसेंट। तो फिर अभी हम चलेंगे घर की तरफ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सो इफ़ यू लव वॉचिंग द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यू हैव एनी डाउट, श्योरली यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।